हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डी मॉर्गन लॉ। ये हमने लास्ट में क्या प्रूव किया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस रिजल्ट को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। कहाँ किया था याद आया कुछ? ये हमने वेन डायग्राम में शो किया था, लास्ट वीडियो में देखना आप, इसमें शो कर रखा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। It is already proved. Now we prove by theorems. We are using property of subset or sets. So let us start. क्या given अपने पास? ये show करना है हमने A और given क्या है? A और B अपने पास कोई दो sets है. Okay? Prove क्या करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो सेट है इसका जो कॉम्प्लीमेंट, क्या प्रूव करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो ये कोई सेट है, ये कोई सेट है। अब ये बताओ दो सेट कब इक्वल होते हैं? दो सेट कब इक्वल होंगे? जब हम क्या प्रूव करेंगे, यानी हम ये प्रूव करना पड़ेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी दो सेट कब इक्वल होंगे? जब ये वाला सेट इसके सब इस ये वाला इसका सबसेट हो और ये वाला इसका सबसेट हो। अगर ये दोनों आपस में सबसेट है एक दूसरे के, तो मैं ये दोनों ये क्या कह दूंगा, दोनों सेट इक्वल हैं। तो आपको एक काम बता दिया है, कोई भी सेट, अब जो भी थ्योरम करेंगे उनमें सबसे पहला स्टेप क्या लगाएंगे, कभी भी दो सेट इक्वल दिखाने हो तो क्या दिखाएंगे, एक बार ये वाला इसका सबसेट दिखाएंगे और एक बार ये वाला इसका सबसेट। पता लग गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है, अपने पास दो पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे इस थ्योरम में, तो देखो कैसे करें। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, ध्यान से समझना, बस प्रूफ करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट प्रूव करना हमने। अब एक बात और, सेकंड स्टेप लगाते हैं, अब ये वाला सेट इसका सबसेट दिखाना हो। अब कोई भी आपके पास थ्योरम आएगी तो कभी भी एक सेट दूसरे सेट का अगर सबसेट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम इस वाले सेट में से कोई एलिमेंट लेंगे, इस वाले सेट में से हम कोई एलिमेंट लेंगे और बाद में क्या दिखा दे, वो वाला एलिमेंट इस सेट में भी दिखा दूं। तो मैं ये कह दूं ये इसका सबसेट है। नहीं आया समझ में, दोबारा बताता हूं, ये सेट इसका सबसेट दिखाना हो तो मैं हमेशा ऐसे दिखाऊंगा, कोई भी सेट आपस में सबसेट दिखाना हो तो इस सेट में से कोई एलिमेंट लेंगे, इस सेट के यानी कोई भी एलिमेंट ले सकता हूं मैं, कोई भी एनी एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट इस सेट में, वो क्या दिखा दूं, वो सारे एलिमेंट बाद में कहां बिलोंग करवा दूं, इसमें बिलोंग करवा दूं। तो मैं कह दूंगा इस सेट के सारे एलिमेंट अगर इसमें है तो सबसेट हो गया। यानी मैं मैथमेटिकल फॉर्म दिखाता हूं, मैं इसमें से कोई एलिमेंट लेकर चला, एनी एलिमेंट, लेट X कोई एलिमेंट लिया, कहां से, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ये अपने पास कोई एलिमेंट आ गया, इसके अंदर कोई भी X कोई वैल्यू हो सकती है, 1, यानी X क्या है, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल, यानी X फॉर ऑल X, X कहां है, बिलोंग टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यानी X क्या है, X अपने पास सारे के सारे एलिमेंट है किसके, ए यून बी कॉम्प्लीमेंट सेट के, यानी ए यून बी सेट में जो भी एलिमेंट है उसका सबका नाम मैंने एक्स डाल दिया, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब क्या प्रूव करना है, मैंने इस सेट में से कोई एलिमेंट लिया एक्स, लास्ट में वो क्या दिखा दू, वो एलिमेंट अगर इसमें भी है, यानी जितने भी एलिमेंट लिए हैं वो सारे एलिमेंट अगर इस सेट में भी है तो ये अपने पास इसका सबसेट हो गया। यानी लास्ट में इन लास्ट या ये लिख दो, We have to prove क्या, X कहां बिलोंग करना चाहिए, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अभी तक सिर्फ मैंने क्या बताया है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर कोई भी दो सेट आपस में इक्वल दिखाने हो तो एक बार ये वाला सेट इसका सबसेट और ये वाला सेट इसका सबसेट, ऐसे प्रूव करते हैं। ये हो गया। अब प्रूफ पहला स्टेप कैसे सोल्व करना है, हर क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, ये सेट इसका सबसेट दिखाना है। तो सबसे पहले आप इस वाले सेट में से एलिमेंट लेके चलोगे, ले लिया एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एनी। अब उसके बाद लास्ट में किसी भी तरह प्रूव करके ये दिखा दूं एक्स ये इस सेट में है। अगर एक्स इस सेट में है तो इसमें इसके सारे एलिमेंट अगर इस सेट में है तो मैं कह दूंगा ये इसका सबसेट है, ठीक है। ये सोल्व कर रहे हैं तो एक्स अपने पास ये है, हमने लाना ये है, ये लाना है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्स अपने पास कहां था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। एक्स अपने पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो मैं रफली ड्रा कर लेता हूं आपके लिए। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए सेट बी सेट। ए यूनियन बी कौन से एरिया हुआ, ए यूनियन बी ये वाला एरिया हुआ, ए यूनियन बी ये वाला, ठीक है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये बार बार का हो गया इनका, ये वाला हो गया, ठीक। अब क्या है, एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, यानी अपने पास एक्स को एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, यानी यहाँ है, बाहर कहीं भी लाई कर सकता है कहीं भी। तो एक्स अपने पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में लिया। अब ये बताओ एक्स अपने पास ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स अपने पास ए यूनियन बी के अंदर है, ए यूनियन बी के अंदर लाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट में होता है वो अपने पास उस सेट में लाई नहीं करता। जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में लाई करे हो करते हो तो वो एलिमेंट कभी भी उस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो एक्स कहां लाई नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू कहां, ए यूनियन बी में, नहीं करेगा इसके अंदर लाई नहीं करेगा, पता लग गया वाला स्टेप, ठीक है। अब इसको खोल के लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है जो ए यूनियन बी, तो अपने पास ये यहां से यहां तक एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ठीक है। इसका मीनिंग ये कह रखा है जो एक्स एलिमेंट है ना इसके अंदर नहीं है, अब इसका अंदर नहीं है, इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूं एक्स ए के अंदर भी नहीं है और एक्स बी के अंदर भी नहीं है, यानी एक्स यहां भी लाई नहीं कर रहा और एक्स यहां भी लाई कर रहा नहीं कर रहा, इस टाइप का मीनिंग लिख सकते हैं ये वाला, क्योंकि एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मीनिंग एक्स ए में भी नहीं है एंड एक्स बी में भी नहीं बिलोंग कर रहा, इतना आया। यहां पे कंपल्सरी आपने एंड लगाना है और यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपने पास क्या कह रखा था, एक्स अपने पास ए यूनियन बी में नहीं है, यानी एक्स को एलिमेंट यहां नहीं है, इस एरिया के अंदर नहीं है, तो इस एरिया के अंदर नहीं है, इसका मीनिंग ये भी अपने पास कंपल्सरी इस सेट ए के अंदर नहीं मिलेगा एक्स, और कंपल्सरी इसके साथ भी है, यहां भी एक्स नहीं मिलेगा, यानी अपने पास ये भी है और इसके साथ साथ यहां भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तब यूज करना है, कब यूज करना है, और या तो अपने पास एक्स सेट यहां ना हो या यहां हो, मतलब एक मगर मिल जाए तो उस टाइम मैं और यूज करता हूं, या तो एक्स यहां बिलोंग ना करे या क्या तो यहां करता हो या यहां ना करता हो यहां कर जाओ, उस टाइम हम और यूज करेंगे। तो क्या बताया, सबसे पहला स्टेप एक्स को एलिमेंट लेके चला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका मीनिंग एक्स अपने पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में लिया तो ए यूनियन बी में नहीं करेगा लाई, अब ए यूनियन बी में लाई नहीं कर रहा, इसका मीनिंग एक्स ए में भी लाई नहीं कर रहा और एक्स बी में भी लाई नहीं कर रहा एंड, ठीक है। एक्स ए में भी नहीं है, अब बताओ एक्स को एलिमेंट अपने पास ए सेट में नहीं है तो फिर कहां मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं एक्स ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, अगर ए सेट में नहीं है उसका मीनिंग कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं एक्स कहां मिलेगा, एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स फिर कह रखा है बी सेट में नहीं है, एक्स बी सेट में नहीं है फिर कहां मिल जाएगा, फिर एक्स को मैं ये कह सकता हूं बी कॉम्प्लीमेंट सेट मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट कौन से एरिया, ये वाला हुआ बार बार का सारा, इसके साइड सारा बी को छोड़ के जो बच गया बी कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स बी सेट में नहीं है तो इसका मीनिंग एक्स कहां बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्या था नेक्स्ट, क्या आ गया, एक्स ये करके इस सेट में भी है ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और एक्स
बी कॉम्प्लीमेंट्री भी है, यानी एक्स ए कॉम्प्लीमेंट्री एरिया कौन सा था, ये वाला बाहर वाला, और बी कॉम्प्लीमेंट्री बाहर वाला ही था। जो ए कॉम्प्लीमेंट था वो तो था ये बाहर वाला, बी कॉम्प्लीमेंट था बी के बाहर वाला, एक्स इसमें भी था इसमें भी है, तो इसका मीनिंग एक्स दोनों के कॉमन में आ गया, यहां भी है एक्स और कंपल्सरी यहां भी है, तो एक्स कहां मिलेगा, दोनों के कॉमन में मिलेगा, कॉमन का मीनिंग इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और क्या प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था एक्स कहां बिलोंग करे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। आया फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, नहीं आया कम समझ में आया है, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट को देखता हूं, सेकंड पार्ट में देखना आपको समझ में आ ही जाएगा। सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, ये प्रूव करना है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये बताओ ये सेट इसका सबसेट दिखाना है, तो बताओ कैसे दिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, इस सेट में से मैं कोई एलिमेंट लेकर चलूं इस सेट में से, और बाद में वो एलिमेंट कहां बिलोंग करवा दूं, इस सेट के अंदर बिलोंग करवा दूं, यानी मैं एक्स को एलिमेंट लेकर चला यहां से, लास्ट में मैं एक्स यहां शो करना हमने, तो लेट स्टार्ट एक्स बिलोंग टू, कहां लिया मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एक्स हमने इस सेट में से ले लिया, और लास्ट में क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव क्या, एक्स बिलोंग टू कहां करवाना है, क्या करवाना है बताओ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आया ठीक है, यानी इतना पता लग गया हमने क्वेश्चन में करना क्या है, एक्स हमने इस सेट में से लेकर चलना है, लास्ट में वो अगर एक्स में यहां दिखा दो तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये सेट इसका सबसेट हो गया, ठीक है। अब मैं ये स्टार्ट करता हूं, ये प्रूव करना था, अब लिखते हैं, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट एक्स कोई एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, ये है। अब ये देखो इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है जो एक इस सेट के और इस सेट के कॉमन एलिमेंट, वही तो अपने पास इंटरसेक्शन में आते हैं। अब क्या कर रखा है, x अपने पास इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, कह सकते हैं, जब तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आया है, तो इसका मीनिंग मैं इसको ये लिख दिया, एक्स कहां है, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, एंड लगेगा या और लगेगा, ये देखो बताओ आप, एक्स यहां भी है, यानी एक्स को एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में कब आता है, जब यहां भी है और यहां भी कंपलसरी होना चाहिए, जब ही तो उनके इंटरसेक्शन में आता है, तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में तो कंपलसरी है ना, एक्स यहां सेकंड वाले मिलेगा, तो एंड यूज करेंगे हम, एंड एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स यहां भी लाई करेगा यहां भी लाई करेगा, तो उसके अपने पास इंटरसेक्शन में आएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अगर यूनियन होता ना, यूनियन यानी एक्स को एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो इसका मीनिंग या तो एक्स ए में भी हो सकता है या और यूज करते उस टाइम, या एक्स बी में यूज, आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ऐसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या है, एक्स यहां से लिख के चले, इसका मीनिंग एक्स यहां भी है और यहां भी है। अब एक बात बताओ, एक्स अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट में है, डायग्राम बना लेता हूं आपका, एक्स ये कोई सेट है, एक्स अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये वाला एरिया हुआ बाहर वाला, यहाँ पे एक्स को एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये बताओ एक्स ए में बिलोंग करेगा, एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट के अंदर कहां बिलोंग करेगा, ए के अंदर नहीं करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एंड अब बताओ एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, बी कोई सेट है बी ये वाला, तो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो एक्स बी में लाई करेगा नहीं करेगा, क्यों कॉम्प्लीमेंट में हो बाहर है तो अंदर कहां लाई करेगा, नहीं करेगा, एक्स ए में भी नहीं है एक्स बी में भी नहीं है, तो ये बताओ ए कोई सेट है बी कोई सेट है, ए सेट बी सेट, एक्स को एलिमेंट यहां भी नहीं है इसके अंदर भी नहीं है,
और एंड है यानी कंपल्सरी है, एक्स इसके अंदर भी नहीं है, यानी दोनों कंडीशन एक साथ है, ये वाली भी इसमें भी एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये बताओ अपने पास एक्स इनके यूनियन में आएगा, इनके यूनियन मतलब ये सारा टोटल। दोबारा बताता हूं, एक्स कहां नहीं है, ए के अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो इनके टोटल करेंगे तब आएगा, तब भी कहां आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो कहां आएगा, नहीं आएगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू कहां, ए यूनियन बी, इसके अंदर लाई नहीं करेगा ना, इसके अंदर, ठीक है, यानी ये पता लग गया एक्स इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, तो फिर कहां लाई कर रहा है, एक्स कहां लाई करेगा, इसके बाहर होगा कहीं, तो बाहर का मीनिंग एक्स कहां लाई करेगा, बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, अगर एक्स इसके अंदर नहीं है तो फिर कहां होगा, इसके बाहर कहीं भी हो सकता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। और ये दिखाना था एक्स हम इसके अंदर से लेकर चले थे, लास्ट हमने कहां दिखा दी, इसके अंदर, तो हैंस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट आ गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। और फर्स्ट पार्ट हमने ये दिखाया था, ये इसका सबसेट दिखा दिया था, दोनों पार्ट प्रूव कर दिए, ये वाला और ये वाला, तो क्या आ गया, ये दोनों सेट इक्वल आ गए, आया, ठीक है। अब थोड़ा सा और नहीं आया तो और करते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी अपने पास डी मॉर्गन लॉ है, वो भी डी मॉर्गन लॉ था, उसमें क्या था, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ पे यूनियन कर, दोनों पार्ट सेम है, तो ये प्रूव करके दिखाना हमने, तो बताओ कैसे प्रूव करें। अगर ये दो सेट कभी प्रूव करना हो तो सबसे पहले हमने क्या दिखाना पड़ेगा, वो आपस में क्या दिखाने पड़ेंगे, आर सबसेट ऑफ ईच अदर, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट, ए ये वाला इसका सबसेट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट ये इसका सबसेट और एक बार ये इसका सबसेट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसेट किसका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। यानी हमें फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, कब तक दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब ये वाला इसका सबसेट और ये वाला इसका सबसेट, हो गया, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, अब इसको प्रूफ कैसे करें, मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट ही देखो, ये वाला सेट इसका सबसेट दिखाना है, तो कोई भी सेट आपस में सबसेट कैसे दिखाते हैं, मैं इस सेट में से कोई एलिमेंट लेकर चलूंगा और बाद में वो एलिमेंट कहां बिलोंग करवा दूं, इस सेट के अंदर, ठीक। तो लेट कर दिया, एक्स को एलिमेंट कहां ले लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब वी हैव टू प्रूव क्या, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक्स बिलोंग टू कहां, इस सेट के अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं, पहले इसका मीनिंग लिखते हैं, एक्स अपने पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो बताओ, मैं बना लेता हूं डायग्राम, ए सेट बी सेट, अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात हो रही है यहां पे, तो इंटरसेक्शन बी कौन सा कॉमन एरिया, कौन सा यहां पे है, ये वाला, तो एक्स कहां है, इसके कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यानी एक्स इसको छोड़ के जो भी एरिया बच गया, इसको छोड़ के जो भी एरिया बच गया उसका अंदर है, कहीं भी हो सकता है, मैंने मान लिया एक्स कहीं भी है, यहां पे है, ठीक है, यहां पे कहीं भी नाम दे सकता हूं, इसके बाहर या इसके अंदर भी डाल सकता हूं, ये वाला, तो एक्स अपने पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, बाहर है, तो ये बताओ एक्स अपने पास इसके अंदर होगा, इस एरिया के अंदर नहीं होगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू कहां, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं करेगा लाइन, ठीक है। ये अब डार्क भी याद रखना, कभी भी कोई भी एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में हो तो वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, या इस सेट में हो तो उसमें कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये था, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये है, इसका मीनिंग क्या है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा,
इसका मीनिंग बता सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आता है जो ए सेट में भी हो और बी सेट में भी हो, वही एलिमेंट बी सेट में, कॉमन एलिमेंट, वो एलिमेंट जो ए सेट में भी हो और वही एलिमेंट बी सेट में भी हो, तो वही तुम्हारे पास इंटरसेक्शन में आते हैं। तो क्या कह रखा है, एक्स नहीं आ रहा ना इसमें, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स अपने पास बताओ क्या आएगा। ये कह रखा है एक्स यहां नहीं है, इस सेट के अंदर नहीं है, तो फिर एक्स कहां मिलेगा बताओ। एक्स इस सेट के अंदर नहीं है, तो इस सेट के अंदर नहीं है तो कहीं मिल सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। तो अपने पास एक्स, एक्स इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मीनिंग एक्स डज नॉट बिलोंग टू किसमें, ए में, और एक बार दोबारा देखो, एक्स अपने पास ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इस वाले पार्ट में नहीं है, यानी एक्स यहां बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा इसका मीनिंग कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में कब नहीं आता, जब नहीं आता या तो एलिमेंट अपने पास ए सेट में नहीं है या वो एलिमेंट अपने पास बी सेट में नहीं है, या दोनों में नहीं हो, कोई जरूर नहीं है, दोनों सेट में नहीं है, यहाँ पे हो तो अपने पास इंटरसेक्शन नहीं आएगा ना। लेकिन एक्स अपने पास अगर ए में भी है और बी में भी है तो भी तो इंटरसेक्शन में आता है, एक्स अपने पास यहाँ नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं है तो क्या लिखेंगे, या तो अपने पास एक्स ए में नहीं होगा, इस सेट में नहीं होगा जब तो अपने पास कॉमन नहीं आया, या अपने पास इस सेट में नहीं होगा, अगर यहाँ नहीं होगा, मान लो यहाँ हो तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ हो तो यहाँ नहीं होना चाहिए, या दोनों में नहीं हो, तो एक्स अपने पास या तो ए सेट में नहीं है, और यूज करेंगे यहाँ पे, या एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी सेट, जब तो अपने पास इंटरसेक्शन में नहीं आया, ठीक है। अगर एक्स अपने पास ए सेट में नहीं है तो कहाँ होगा फिर, एक्स एक सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, कंपल्सरी है, अगर ए सेट के अंदर नहीं है, ए सेट के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ होगा, इसका बाहर होगा ए कॉम्प्लीमेंट में, और एक्स अपने पास बी सेट में नहीं है फिर कहाँ बिलोंग करेगा, अगर एक्स अपने बी सेट में नहीं है तो इसके बाहर जो एरिया है वो बच गया, एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, एक्स अब क्या करके देखो नेक्स्ट टाइप की तरफ, एक्स या तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में या अपने पास एक्स बी कॉम्प्लीमेंट, या तो एक्स यहां मिलेगा या यहां मिलेगा, फिर मैं ये कह सकता हूं एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं या तो एलिमेंट ए के हों, जैसे अपने पास कोई सेट है 1 2, बी कोई सेट है 2 3, तो ए यूनियन बी कौन सा आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 आएगा, यानी यूनियन में अपने पास जैसे 1 है तो 1 यूनियन में कौन सा एलिमेंट आता है, यूनियन में वो एलिमेंट आता है, या तो सेट कहां से हो, 1 से भी हो, ऐसा तो नहीं है वो एलिमेंट यहां भी होना चाहिए यहां भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी, यूनियन में वो एलिमेंट आएगा, या तो एलिमेंट कहां हो, इस सेट के हो या इस सेट के हो। अब देखो अपने पास एक्स को एलिमेंट कहां है, या तो ए कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है या अपने पास बी कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, इन दोनों में से एक में हो सकता है, तो अपने पास कहां क्या कहते हैं, एक्स अपने पास कहां मिलेगा, इन दोनों के यूनियन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हो गया, ये आपको करना था, एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा पार्ट हार्ड लगा आपको, देखो मैं और शॉर्टकट चलता हूं, और शॉर्टकट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हम एक्स को एलिमेंट लेकर चलेंगे, एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या प्रूव कर दे, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स लास्ट में हमने एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है, यानी यहां से स्टार्ट करना और यहां हमने पहुंचना है। अब मैं आपसे डायरेक्ट बता देता हूं, यूनियन, यूनियन अगर कभी भी आए ना कभी क्वेश्चन में, तो आप ये लिख देना क्या, आइदर, यानी कोई भी एलिमेंट यूनियन कब आता है, या आइदर एक्स बिलोंग टू कहां ए कॉम्प्लीमेंट हो, या एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट हो, आइदर और वाली कंडीशन, अगर यहां पे इंटरसेक्शन होता ना, इंटरसेक्शन, तो आप ये लिखते एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे एंड एक्स बिलोंग टू
बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ये इसका एक्स को एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका उल्टा लिख दो, उल्टा क्या था, एक्स डज नॉट बिलोंग टू कहां, ए में नहीं मिलेगा ना, और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में इसका मीनिंग एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। अब देखो, अब आगे आपको नहीं पता क्या करना है, अब मैं चलता हूं नीचे की साइड, नीचे हमने ये प्रूव करना है, देखो हमने ये लाना है x does not belong to a intersection b complement, ये प्रूव करके दिखाना है। इससे पहले वाला स्टेप क्या प्रूव करने पड़ेगा, हमने इससे पहले वाला स्टेप ये दिखाना पड़ेगा, x does not belong to कहां, x कहां बिलोंग नहीं कर रहा, a intersection b में बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो दिखाना पड़ेगा हमने, क्योंकि अगर ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन नहीं है तो कहां मिलेगा फिर, इसके कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। मैंने अब दोनों रास्तों को मैंने जोड़ना है आपस में, कैसे, इसका मीनिंग ये लाना हमने प्रूव करना, x अब क्वेश्चन क्या रखा है, x a में नहीं है, या तो x a में नहीं है या x b में नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, क्वेश्चन ये पता लग गया, या तो x अपने पास a सेट में नहीं है या अपने पास b सेट में नहीं है, या दोनों में कोई जरूर नहीं हो, ठीक है, तो ये बताओ x अपने पास उनके कॉमन में पाएगा, नहीं पाएगा, क्योंकि a कॉमन में वो एलिमेंट आता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो नहीं आते जिसमें ना हो या इसमें ना हो, तो एक्स अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ नहीं है, तो इसका मीनिंग लिख दो आप, यही तो है, ये कनेक्ट कर दिया हमने रास्ता, इसका आ गया, तो यहाँ नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, मिलेगा, ठीक है, ये आप कर लेना।